What's going on guys, I hope you all are doing great. Welcome back to the channel. और दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैं YouTube पे ऐसे ही चल कर रहा था and I came across this video. 30 filmmaking hacks to make a Oscar worthy movie. मतलब फोटो हैक्स जिससे आप ऑस्कर लेवल की मूवीज बना सकते हैं एंड देखते हैं यार सच अ कूल वीडियो. लेट्स हैव अ लुक एट इट. पहले तो फोन से ऑस्कर लेवल की मूवी बनाई गई और उसके ऊपर लोग एक पिज्जा स्लाइसर से स्लाइडर बनाए गए. मारो मुझे. दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 5 आसान फिल्म मेकिंग हैक्स और ये हैक्स में आप कुछ नॉर्मल चीजें यूज करेंगे, हाउस होल्ड थिंग्स जो आपके आजू बाजू आपको इजीली मिल जाएंगे और ये कुछ ऐसे हैक्स हैं जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ अपने शूट्स के ऊपर जब मैं कमर्शियल्स बनाता हूँ, क्लाइंट वर्क करता हूँ. सो दीज आर गोना बी वेरी प्रैक्टिकल आइडियाज और प्रैक्टिकल थिंग्स जो होपफुली आप भी यूज कर सकते हैं अपने खुद के फिल्मिंग रूटीन में. बट इसी के साथ अगर आप एक नए व्यूअर है तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वो बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप फ्यूचर में ऐसे कौन से भी वीडियोस मिस ना करें. इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद हैक नंबर 1. फॉर हैक नंबर 1 आपको लगेगी एक टेप. ये सिंगल टेप से आपकी फिल्म मेकिंग प्रोसेस काफी हद तक आसान बन सकती है. जब हम फिल्म मेकर सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं हम ऊपर और नीचे वीडियो के ब्लैक बार्स ऐड करते हैं ताकि हमारा फुटेज ज्यादा सिनेमैटिक लगे एंड यू नो इट एक्चुअली जस्ट हेल्प्स मेकिंग योर फुटेज लुक बेटर एंड मोर प्रोफेशनल. बट कभी कभी क्या होता है जब हम शूट करते रहते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हम पोस्ट में वो ब्लैक बार्स ऐड करने वाले हैं और वी एंड अप टेकिंग अ शॉट विच इज टू क्लोज या टू टाइट और जिसमें सब्जेक्ट कट हो जाता है जब हम वो सिनेमैटिक ब्लैक बार्स ऐड करते हैं. सो इन दैट सिनेरियो आप सिंपली एक टेप लीजिए, नॉन स्टिक टेप लेना ताकि आपका कैमरा खराब ना हो और ऊपर और नीचे आपको इस तरह से ये सेलो टेप लगानी है. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है ताकि जब आप शूट करें आपको वो हमेशा ध्यान में रहे. जो ऊपर और नीचे का पार्ट है ये पोस्ट में कट हो जाने वाला है और इसे आप अपने फ्रेम में इंक्लूड ना करें. गाइज ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट यही छोटी चीज़ एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है. यूजुअली आप अगर शॉट बहुत ज़्यादा टाइट ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा क्लोजअप ले लेते हैं और वो पोस्ट में कट हो जाता है उसके बाद उसे कुछ भी करना, कुछ भी उसमें अच्छा करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका पूरा फ्रेम ही कट हो गया है, आप उसे अच्छा कैसे करेंगे. सो ये एक छोटी सी हैक है जिससे आपको ये हमेशा माइंड में रहेगा ड्यूरिंग शूट्स की ये ऊपर और नीचे ये चीज़ें कट होने वाली है. सो उन चीज़ों में कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐड करना आप अवॉइड कर सके और अपने शॉट्स ठीक से ले सके. लेट्स कम डाउन टू हैक नंबर 2 और वो है यूजिंग एनी काइंड ऑफ व्हील्स. मतलब अपना ये व्हील चेयर, एक स्केटबोर्ड, एक हवरबोर्ड, ऐसी कौन सी भी चीज जिसपे व्हील्स हो जो आपको अपने फुटेज को ज्यादा स्टेडी करने में हेल्प कर सके. मैंने बचपन में ये हवरबोर्ड लिया था, बहुत भारी है एंड मैंने एक पॉइंट के साथ इसके साथ खेलना तो छोड़ दिया बट ड्यूरिंग शूट्स मैं इसको अभी भी यूज़ करता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी इजी वे ऑफ गेटिंग काफ़ी कूल शॉट्स और काफ़ी सिनेमैटिक शॉट्स. स्पेशली जब मैं म्यूजिक वीडियो शूट करता हूँ ये चीज़ एक बहुत हैंडी आती है. इवन व्हील चेयर्स अगर आप कहीं शूट कर रहे हैं, आपके पास किसी भी टाइप का स्टेबलाइजर नहीं है, आपके पास गिम्बल नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है, ऐसे सिचुएशन में एक व्हील चेयर ले लेना और किसी को बोलना आपको पीछे से पैन करे और आप कैमरे से शूट करते हैं आपको काफ़ी हद तक स्टडी शॉट्स मिल सकते हैं. एक बात समझ लीजिए, जब से मैंने फिल्म मेकिंग शुरू की है इनिशियल डेज में जो सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा फुटेज स्टडी नहीं था, हमेशा शेकी फुटेज रहने का हैंड हेल्ड फुटेज और इससे मेरी पूरी प्रोडक्शन वैल्यू या पूरे वीडियो की क्वालिटी काफ़ी हद तक ख़राब लगने की और बहुत आसानी से मेरा वीडियो यू नो प्रोफेशनल नहीं लगता था. बट जब से मैंने स्टडी शॉट्स लेना शुरू किया है या इवन ये छोटे छोटे हैक्स यूज़ करना शुरू किया है माई वीडियोज़ हैव बिकम मोर सिनेमैटिक. मेक श्योर आप ये अपने माइंड में रखिए क्योंकि स्टडी शॉट्स आपके वीडियो को काफ़ी हद तक प्रोफेशनल दिखने में हेल्प करता है एंड यू शुड बी यूजिंग दीज थिंग्स. अब मान लीजिए आपके पास व्हील चेयर भी नहीं है, हवा बोर्ड भी नहीं है, स्केट बोर्ड भी नहीं है, क्या इसका ये मतलब है दैट यू शुड बी यूजिंग जस्ट शेकी फुटेज क्योंकि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है? नहीं. ऐसे सिचुएशन में आपको एक कैमरा स्ट्रैप बहुत हद तक हेल्प कर सकता है. गाइस एक बात समझ लीजिए, आपका फुटेज तभी स्टडी दिखता है जब आपके कैमरा पे एक 3-point कॉन्टैक्ट रहता है. आप एक ट्राईपॉड को देख लीजिए, 3 पैर रहते हैं ताकि वो स्टडी रहे. ऐसे सिचुएशन में आप एक कैमरा स्ट्रैप से भी एक 3-point कॉन्टैक्ट बना सकते हैं. सिंपली अपने कैमरा स्ट्रैप को अपने लेंस के नीचे डाले इस तरह से एंड सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3-point कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैंने डेवलप किया है विद द कैमरा स्ट्रैप. आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट है, ऊपर मेरा हाथ जो है वो सेकेंड है एंड दिस लास्ट इज दिस थर्ड. और जब आप इसका यूज़ करते हैं टू टेक शॉट्स
यू वोंट बिलीव आपके शॉट्स कितने हद तक स्टडी हो जाएंगे, कितने हद तक आपके शॉट ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। इवन व्हेन आपके पास कोई ट्राइपॉड नहीं, कोई गिम्बल नहीं, कोई मोनोपॉड नहीं है, आसान सी ट्रिक है, इसका यूज कीजिए एंड जस्ट सी कि आपकी फुटेज कितनी ज्यादा स्मूथ लगती है देन हैंडहेल्ड फुटेज। आई यूज इट पर्सनली ऑल द टाइम। तो दोस्तों आ जाते हैं टू द फोर्थ हैक जो मैं हमेशा अपने वीडियोस के लिए यूज करता हूं एंड दैट इज एडिंग स्मोक टू योर वीडियोस। यस दोस्तों, ये आपने पहले भी अगर मेरे आप वीडियोस देखते रहेंगे आपको ये ऑलरेडी पता रहेगा, आई लव डूइंग दिस। मैं अपने हर कमर्शियल में, हर शूट में, जब भी पॉसिबल हो आई एड द एलिमेंट ऑफ स्मोक। गाइज, स्मोक आपके शॉट्स को बहुत ज्यादा डायनामिक बनाता है, आपके शॉट्स को एक डेफिनेशन देता है विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। लाइक रिसेंटली मैंने दो दिन पहले एक म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट किया। Yes, it's gonna be dropping on 11th Feb, so stay tuned for that. एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो मैंने खुद पर्सनली डायरेक्ट किया एंड इट वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी। वो शूट के लिए मैंने एक फॉग मशीन रेंट किया था। फॉग मशीन एक ऐसा मशीन रहता है जिससे आप आराम से फॉग जनरेट कर सकते हैं आपके सीन्स के लिए एंड द रिजल्ट्स वर एब्सोल्युटली क्रेजी। गाइज, अगर आपके पास फॉग मशीन भी नहीं है, यू डोंट नीड इट। आप यूजुअली अपने धूप रहती है या अगरबत्ती रहती है, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू क्रिएट दैट स्मोक लुक। मैं पहले भी मैंने ये किया हुआ है फॉर और माई रेडबुल कमर्शियल्स या मेरे कुरकुरे कमर्शियल्स के लिए। इट इज़ वेरी 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 यूजफुल, माई पर्सनल फेवरेट और मैं इसका यूज हमेशा करता हूँ। फिफ्थ एंड द फाइनल हैक दैट इज मेकिंग यूज ऑफ जेलेटिन पेपर। यस गाइज, हम सबके पास लाइट्स तो रहते हैं। अब आप बैकग्राउंड में ये ब्लू कलर की लाइट देख सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट दिस जेलेटिन पेपर। अभी मेरे पास ये ग्रीन कलर का पेपर है, सो आई कैन जस्ट सेट सिंपल। गाइज, नॉर्मल सी एलईडी है बट ये जेलेटिन पेपर से मैं कलर्स चेंज कर सकता हूँ अपने सीन के अंदर और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लुक देता है, स्पेशली अगर आप किस टाइप के म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं या इवन अगर आपको अपने फिल्म में, अपने शॉट में किसी तरह का एम्बिएंट लाइट चाहिए, माइट बी येलो, माइट बी ग्रीन, माइट बी रेड, अब नॉर्मली एलईडी के ऊपर ये जेलेटिन पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा मैं अपने बैग में कैरी करता हूँ और जब आप ये लगाते हैं आप इजीली कौन सी भी लाइट को कौन सी भी कलर में चेंज कर सकते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली हैंडी। और यू नो इट माइट बी वीडियो और इवन फोटोग्राफी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। यू कैन जस्ट सी looks so f***ing cool. Anyway, दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। ये थे कुछ पांच आसान फिल्म मेकिंग हैक्स जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ विद सिंपल चीप थिंग्स। इसमें कुछ भी महंगा नहीं था, बट यस, दीज आर द हैक्स विच आई यूज और मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आते हैं, होपफुली आपको भी आएंगे। अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, लाइक कर देना, किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।